ओके नाउ अब हम रिएक्शन देखते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम रिएक्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। अच्छा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन देख रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में मैं यहाँ पे कार्बन तो बेचारा मेरे पास जो होगा पार्शियल पॉजिटिव ही होगा। मैं किसी एक ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव दिखा देता हूँ, मैं इस ऑक्सीजन जो हूँ जो पार्शियल नेगेटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही पार्शियल नेगेटिव हो गए, हम किसी एक को एट ए टाइम एक चीज हो रही होती। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव है और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ के पार्शियल नेगेटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। जब ये ऐसे अटैक करेगा तो ये जो ये वाला बॉन्ड होगा ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, आने वाली चीज के पास ही वाला बॉन्ड चले जाएगा। तो हम क्या देख रहे होंगे यहाँ पे, हमारे पास यही हो रहा होगा, ये कार्बन है ये वाला और इस पे CH3 आ गया, ठीक है। इस कार्बन पे CH3 लग गया और इस ऑक्सीजन पे MgI लग गया, ठीक है। और MgI हमारे पास यहाँ पे जो है वो लग गया, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होगा, अब हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट HCl हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारे पास जो होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा। यहाँ का जो पॉजिटिव है, यहाँ का जो नेगेटिव है वो वहाँ के पॉजिटिव पे जो OH है उस पे अटैक करेगा, यहाँ का जो OH है वो इसके पास आ जाएगा, Mg के पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ का H यहाँ का OH हाइड्रोक्सी, तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सैलिक एसिड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3OH, ये मेरे पास क्या बन जाएगा कार्बोक्सैलिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड के को हम अगर हम लिखें IUPAC के हिसाब से, जब आपको पढ़ाएंगे जब देख लेंगे हम, वैसे इसको हम कहते हैं इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। जब हम क्या कह रहे होते हैं, जब हम IUPAC के हिसाब से बात कर रहे होते हैं इथानोइक एसिड, और इसको साथ साथ कॉमन नेमिंग में हम क्या कॉमनली इसको नाम जाना जाता है विनेगर के नाम से। ये जो फॉर्मूला है ये विनेगर का है, सही है। अच्छा और बाकी सब हमारे पास मिलके, बाकी ये जो Mg और MgIOH ये मिलके हमारे पास अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ट्रू का जब हमारे पास क्या भाई, हमारे पास जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक कार्बोक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसको हम IUPAC के हिसाब से इथानोइक एसिड कह रहे होते हैं, और कॉमनली हमारे पास ये ना इसका कॉमन नेम क्या है, विनेगर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो होता है ये बन रहा होता है, ठीक है, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा जब हमारे पास रिएक्शन किसके साथ होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होता है। अच्छा ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास ये होता है, इंशाल्लाह जब इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर जब हम एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे उसको दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम क्या मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। अच्छा जब फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सही है। तो हमारे पास अब क्या होगा भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जो है ये यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, सही है। तो हमारे पास जैसे पहले हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था उसी हिसाब का हमारे पास स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा, ठीक है ना। ये CH3 यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो ये हो गया CH3C, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। हमारे पास ये शिफ्ट हो गया, OMGBr बन गया, सही है। इसके बाद दोबारा से जैसे पहले ऊपर हो रहा था यहाँ पे भी दोबारा से वो ही हो रहा होगा, ठीक है ना।
यहाँ का जो पॉजिटिव है वो एच ओ एच वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। सही है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ओ एम जी बी आर यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेक होगा, ये ओ एच पे अटैक करेगा तो ओ एच बन जाएगा, और ये ओ एच एम जी को लेके हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना रहा होगा। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास कार्बन के चेन के साथ क्या लगा हुआ है, ओ एच, तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहॉल। प्राइमरी एल्कोहॉल क्यों कह रहे हैं, आपको सबको नजर आ रहा होगा ये जो कार्बन है जिससे अटैच है, ये सिर्फ एक 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 इसके साथ हाइड्रोकार्बन अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड को आईयूपीएसी के नेम के हिसाब से क्या कहते हैं, मीथा नल। अच्छा, एक और हमारे पास इसी तरह का रिएक्शन है जब एल्डिहाइड इथानल के साथ हमारे पास होगा, ठीक है। जब इथानल के साथ हमारे पास रिएक्शन होगा तो हमारे पास इथानल या एल्डिहाइड जो होता है, इथानल कैसा होता है, इस तरीके का हमारे पास होता है इथानल, ठीक है ना। वहाँ पे एक हाइड्रोजन था, वहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे क्या लग गया, CH3, तो क्या होगा, इथानल, ठीक है। इथेनॉल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव का जो सीन इससे पहले हम देखते आ रहे हैं वही होगा, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव, वहाँ का पार्शियल नेगेटिव, यहाँ का पार्शियल नेगेटिव, वहाँ का पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट होके ये हमारे पास जो नया CH3 आया है उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन था ये MgBr यहाँ पे हो जाएगा, फिर दोबारा से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास ये हाइड्रोलाइसिस होगी। जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास क्या होगा कि सिंपल एज दैट हमारे पास एक और अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का ओ जो होगा जब एच से मिलेगा वाटर से तो ओ एच बन जाएगा, और हमारे पास तो ये हमारे पास जो अल्कोहल होगा ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जो उसमें अल्फा कार्बन है वो दो हाइड्रोकार्बन से अटैच, दो हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच है, ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, जब रिएक्शन होगा कीटोन के साथ, अब कीटोन क्या होता है, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ CH3 CH3, ये हमारे पास एक कीटोन है, कौन सा कीटोन है, प्रोपा नॉन है, ये कौन सा कीटोन है, प्रोपा नॉन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा से वही चीज हो रही होगी जो उससे पहले हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ का पार्शियल जो नेगेटिव है वहाँ के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा, ठीक है। हमारे पास ये जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता हुआ है वही बन जाएगा, फिर यहाँ पे एच ओ एच आएंगे, ठीक है। इससे पहले आप जैसे ऊपर देख रहे थे, हम ऊपर वाला स्टेप देख रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमारे पास जो इन दी एंड चीज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास कीटोन्स रिएक्शन करके आएगा, क्या आएगा, मेरे पास टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मेरे पास आ रहा होगा जब हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन से, ठीक है। एग्जाम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है का सवाल आता है वो या तो कभी आपको बता रहे होते हैं कि आपको कौन से ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किस रिएक्टेंट से करवाना है, या कभी आपको बता रहे होते हैं हमें ये प्रोडक्ट बना के देखो, तो आपको पता होना चाहिए कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से ये सवाल आ रहा होता है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में, अल्काइल हैलाइड्स के और एक इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, हमारे पास जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो कार्बन जो होता है जो डायरेक्टली हमारे पास अटैच होता है फंक्शन ग्रुप के साथ वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और उसके बराबर वाला कहता है बीटा कार्बन, और उसके आगे और अगर कोई होगा तो वो गैमा कार्बन कहलाता है, ठीक है।
उनके हाइड्रोजन होते हैं उनके कार्बन के नाम से जाने जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो अल्फा कार्बन के होंगे, जो बीटा कार्बन के होंगे वो बीटा हाइड जो बीटा हाइड्रोजन होंगे वो किसके होंगे, बीटा कार्बन के। इसके साथ साथ हमारे पास जो मैंने इससे पहले हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे पास हैलाइड होता है, जो ग्रुप नंबर 7 हैलोजन्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पार्शली नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो दे इंड्यूस पार्शल पॉजिटिव साइन। ठीक है, अच्छा अब ये कार्बन के पास क्या होता है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं छीन रहा होता है, ये ब्रोमीन इसकी तरफ ज्यादा रहते, पार्शियल नेगेटिव क्यों रहते हैं, क्योंकि जो ये शेयर्ड होने चाहिए वो शेयर्ड नहीं होते, वो ज्यादातर ब्रोमीन की तरफ रहते हैं। ठीक है ना, तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है। अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव सिर्फ कार्बन ये अकेला नहीं होता, ये पार्शियल पॉजिटिव साइन जो होता है ना, क्योंकि ये होता है तो इसके पास डेफिशिएंसी होती है, तो वो इससे भी छीनता है, इससे भी और इससे भी, इन तीनों से क्या करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो इन सब के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती, क्यों क्योंकि क्यों हो रही होती है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन होता है, ये जो हेलोजन होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, तो इस कार्बन के फिर ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अब ये कार्बन क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाकियों से, ठीक है, बाकी जो उसके नेबरिंग एटम्स होते हैं उनसे भी छीनता है। जब उनसे छीनता तो नहीं है, अपनी तरफ ज्यादा उसकी जो इलेक्ट्रॉन शेयर पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा रखता है, तो उसके तो जो बाकियों पे ये पार्शियल नेगेटिव साइन इम्पार्ट कर देता है। अब इसके साथ भी होता है तो इसके साथ भी होता है, तो ये भी पार्शियल नेगेटिव साइन जो होता है वो अपने बीटा हाइड्रोजन पर भी इम्पार्ट कर देता है पार्शियल पॉजिटिव साइन। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव साइन और पार्शियल पॉजिटिव साइन इम्पार्ट कर देता है, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव साइन थोड़ा वीक होता है, तो हम इसको दिखाते हैं डबल या ट्रिपल पार्शियल से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत वीक पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये जो है ये इंड्यूस्ड है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये वीक क्यों है, क्योंकि पहला पहला जो है कार्बन जिसके साथ हमारे पास जो जो जिस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीने जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव, बाकी सब जो है ये वीक है। जब ये वीक होते तो हम डबल पार्शियल से इसको दिखाते हैं, पार्शियल कभी पार्शियल, हाफ कभी हाफ, तो ये इतना वीक पॉजिटिव साइन होता है। तो इस इफेक्ट को जो ये हैलोजन पूरे हमारे हाइड्रोकार्बन को पार्शियल पॉजिटिव कर देता है, सिर्फ इस कार्बन को नहीं पूरे कार्बन को कर देता है, ये एक इफेक्ट कहलाता है हमारे पास, कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इस इंडक्टिव इफेक्ट से हमारे पास जो हमारे दूसरे कार्बन जो होते हैं, जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते, जो अल्फा कार्बन नहीं होते, उनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ऑल्दो वीक होता है लेकिन देयर इट इज देयर, तो ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस अगर हम देखें, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेट करना किसी चीज को हटाना, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द अटैच ग्रुप आर रिमूव्ड एंड रिजल्ट इन अ अनसेचुरेटेड। लास्ट टाइम हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, हमने उसमें एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने बताया था जब कोई चीज एलिमिनेट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, दो चीज हटती है तो वो क्या उसी रिजल्ट में क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इन अल्काइल्स मोस्टली एच एक्स ग्रुप इज रिमूव एंड रिजल्ट इन अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे H और X हटेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या कहलाता है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास सच टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इन अल्काइल हैलाइड्स द बेस अटैक
ऑन द बीटा हाइड्रोजन विच इज स्लाइटली पॉजिटिव ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन अटैच, सो दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारे पास ये एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड्स में बीटा एलिमिनेशन करा रही होती है, जैसे अभी मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया इससे पहले, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास बीटा इवन पहले अल्फा कार्बन पे भी, फिर अल्फा हाइड्रोजन पे भी, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक हैलोजन पूरे हमारे हाइड्रोकार्बन चेन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव साइन इंड्यूस कर देता है, तो ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन हो जाता है वो क्या हो जाता है, बीटा हाइड्रोजन भी हमारे पास स्लाइटली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, और इस पे कोई भी बेस या न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको लेके चले जाएगा और हमारे पास क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है ना, हमारे पास अगर हम टाइप्स देखें दो तरह की टाइप्स होते हैं, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। जिस तरह से SN1 SN2 होते हैं इसी तरह से हमारे पास E1 एलिमिनेशन को यूनिमोलिकुलर कह रहे होते हैं और E2 एलिमिनेशन को क्या कह रहे होते हैं, बायमोलिकुलर।